हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एग्री अपडेट्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में ICAR के रिजल्ट के बारे में। और मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था लास्ट ईयर के UG और PG के सभी सब्जेक्ट के या फिर SRF के सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। हम इस वीडियो में ऑफिशियल कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन वो ऑफिशियल कट ऑफ आपका पास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर 2019 और 18 का होगा। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं होंगे बिकॉज ICAR का रिजल्ट आप लोग को बहुत वेट करा रहा है। तो इस बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं और साथ में आपको इस स्टूडियो में बताऊँगा पास्ट ईयर लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में, UG PG दोनों के। और हम लास्ट में बात कर लेंगे थोड़ा बहुत काउंसलिंग कैसे होती है, उसके पहले की थोड़ी क्या प्रोसेस होती है, किस साइड्स होती है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा बन चुका है एंट्रेंस एग्जाम्स में। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम बन चुका है ICAR का रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा इसका अभी आई थिंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनको भी नहीं पता कि रिजल्ट कब वो रिलीज करेंगे, ठीक है। लेकिन कल मैंने जब हेल्पलाइन नंबर पर बात की और उनको मेल किया, ठीक है, तो उसका रिस्पांस मुझे मिला। रिस्पांस में क्या मिला, रिस्पांस उन्होंने ये बोला कि इस मंथ के यानी कि जो ये मंथ चल रहा है अक्टूबर मंथ के लास्ट डे जो 31 अक्टूबर होगा उस दिन या फिर नवंबर मंथ के फर्स्ट डे को यानी कि फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे को यानी कि बिटवीन 31 अक्टूबर टू नवंबर 31 अक्टूबर से लेकर 2-3 नवंबर तक के बीच में कभी भी आ सकते हैं और जल्द ही आपको नोटिस रिलीज करके इन्फॉर्म कर दी जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अभी तक NTA की साइट पे ICAR के द्वारा कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया गया है। केवल ICAR के बारे में जब से आंसर की चैलेंज करने के लिए आया था उसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग का सब्र बहुत हो चुका है आई नो, और मुझे पता है जल्द ही अब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा बिकॉज इतना लंबा टाइम कभी हुआ नहीं है और ना तो कभी होगा, बिकॉज एक महीने से ज़्यादा के टाइम हो चुके हैं। आई थिंक 45 डेज होने वाले हैं, 45 दिन होने वाले हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जल्द ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग आपकी जल्द रिजल्ट आने के 5 दिन के भीतर ही काउंसलिंग आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में, लाइक मैंने आपको कल बताया था कि हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज देखो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत सारे आपको फर्जी साइट्स पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी आपको कट ऑफ रैंक वगैरह बता रहे हैं। देखो, जो कट ऑफ आती है उसमें आपके मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, उसमें आपका केवल क्लोजिंग रैंक रहता है, ओपन रैंक रहता है। ये पता नहीं चलता कि 406 मार्क्स से तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता तब चलता है आपकी रैंक के बेस पे। और रैंक कैसे देखी जाए, लास्ट ईयर होता क्या था, ICAR की जो एक और साइट है ICAR एग्ज़ाम नेट, वहाँ से आप ये पता कर सकते हो कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आपके जो मैंने बताया था UG और PG दोनों सब्जेक्ट की कट ऑफ, तो उसकी कट ऑफ कैसे देखी जाए, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था बहुत लोग हैं जो पहले UG कोर्स के लिए कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो उनकी कट ऑफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर उसके बाद आप कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट को देख लीजिए, वो कट ऑफ UG की है ऑनर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस कोर्स की आपको कट ऑफ जाननी है। लाइक मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की कट ऑफ के बारे में बात कर लूँगा पहले। लास्ट ईयर यानी कि 19 की कट ऑफ, आपकी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्टेड रैंक में आप फर्स्ट डालिएगा, बिकॉज फर्स्ट रैंक में आपको सभी सीट का एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि किस रैंक तक के बच्चों को कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, लाइक यहाँ पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की राउंड की किस राउंड में किस कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कितनी थी, किस स्टेट की क्लोजिंग रैंक कितनी थी। सबसे पहले आपको बता दूँ, आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो, उसकी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो उसकी कट ऑफ आपके लिए बहुत लो जाएगी, बिकॉज पहली प्रेफरेंस खुद के होम स्टेट को मिलती है। अदर स्टेट में जाओगे कट ऑफ हाई रहेगी, वहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिलते हैं आपको, स्कॉलरशिप वगैरह भी अदर स्टेट के ही यूनिवर्सिटी को मिलती है। लाइक मैं आपको बता दूँ, मान लो आप UP के हो और आप महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको कट ऑफ की
हाई आपकी कट ऑफ जाएगी साथ में, लेकिन प्रॉफिट रहेगा आपको पर मंथ यूजी को 3000, पीजी को 5000, इनको स्कॉलरशिप दी जाती है आईसीआर के द्वारा। लेकिन अगर आप खुद के स्टेट में यानी कि यूपी से हो और यूपी के ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाइक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आपको चेक कैसे करनी है। ये यूनिवर्सिटी आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हुई थी जिसमें पहली स्टेट थी आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, तो उसकी क्लोजिंग रैंक थी 1672 रैंक तक के। देखो क्लोजिंग रैंक का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपका रैंक 1672 तो आपका एडमिशन श्योर है 1672 पे, यानी कि इस रैंक पे आपकी एडमिशन यहाँ से लो जो होगी 1671-70 इन सब तक का काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए इस स्टेट के बच्चे, ठीक है। उसी यूनिवर्सिटी की बात करें फर्स्ट राउंड में बिहार के बच्चों के लिए 1591 क्लोजिंग रैंक रखी गई थी, छत्तीसगढ़ के लिए 976 थी, केरला के लिए 1671 थी, महाराष्ट्र के लिए 1444 रैंक क्लोजिंग रैंक थी। देखो आप लोगों ने अपने मार्क्स आंसर किस आई थिंक बहुत लोगों ने चेक कर लिए हैं कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग एक ये मान के चलो कि जितने 400 मार्क्स हैं तो उसमें आपका 1000 के अंडर में रैंक है आपका, तो वो चीज़ आपको टॉप में रखेगी, ठीक है। और बात कर लेते हैं सेम इसी टाइप से, अगर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों सेम इसी थिंग से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ यानी क्लोजिंग रैंक को होम स्टेट या फिर डोमिसाइल स्टेट जो भी हो आपका उस स्टेट की क्लोजिंग रैंक को जान सकते हैं और किसी भी कोर्स की कट ऑफ क्या होगी क्लोजिंग रैंक क्या उसकी जान लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे आपको ऑनर्स एग्रीकल्चर का दिखाया है, अब हम बात कर लेते हैं बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था हॉर्टिकल्चर को लेकर, तो हॉर्टिकल्चर का सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये जो लिंक है इस साइट की ICERexam.net काउंसलिंग की भी साइट है, ये साइट्स का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट्स बॉक्स में पिन किया है, आप लोग वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो अपने अपने डोमिसाइल स्टेट की क्लोजिंग रैंक को। सो दोस्तों ये है आपका हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ICER के अंडर में सभी यूनिवर्सिटी में किस डोमिसाइल स्टेट की क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की कितनी रही है उस बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक मैं आपको बता दूँ दोस्तों, लाइक जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में जो दिल्ली डोमिसाइल जिसका है उसकी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक जो है यानी कि 2184 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसका रैंक 2184 रहा हो उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका रैंक आप मान के चलो जैसे आपको यहाँ पे 2000 रैंक क्लोजिंग रैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आप इसका मतलब ये कि जिन जिन कैंडिडेट्स का 2000 रैंक रहा है वो उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए उस स्टेट के बच्चे एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तो वो आपको यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वहाँ की कट ऑफ कितनी जाए, ठीक है। तो सेम इसी थिंग्स बहुत लोग को हम पीजी की बात करें, देखो यूजी की कट ऑफ आप सभी को कहीं ना कहीं मिल जाती है लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं पीजी की कट ऑफ में। तो पीजी के आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था पीजी के प्लांट साइंस की कट ऑफ के लिए की कट ऑफ और उसकी क्लोजिंग रैंक क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपको पीजी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, लाइक मैं पहले आपको प्लांट साइंस की कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, लास्ट ईयर 19 में कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है, क्या क्लोजिंग रैंक रही है पीजी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो हमेशा आप यहाँ पर अपनी रैंक फर्स्ट सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट सिलेक्ट करने पर ही आपको जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का एडमिशन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं, अब देखते हैं, ठीक है, कितनी रैंक रही है आपकी और क्या क्या रहा है। तो ये है पीजी की यानी कि प्लांट साइंस के क्लोजिंग रैंक की जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं, लाइक मैं आपको बता दूं जैसे कि विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर का, वेस्ट बंगाल का फर्स्ट राउंड में आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल बच्चों का 209 रैंक तक के सभी बच्चे पीजी में एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए और उनकी कट ऑफ जो बनी हुई है वो यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पे डिपेंड करती है। इसी प्रकार से BAU साबौर की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड की आंध्रा के बच्चों के लिए कट ऑफ थी वो 363 क्लोजिंग रैंक थी और यूपी के लिए सेकेंड राउंड में BAU साबौर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में
20,425 रैंक तक के बच्चों को एलिजिबल रखा गया था काउंसलिंग के लिए। सो दोस्तों सेम थिंग आपको अपने अदर पीजी कोर्स में भी लगाने हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे पीजी के यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये यूनिवर्सिटी है IARI न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग देखने को मिल रही होगी, क्लोजिंग रैंक और आपका डोमिसाइल स्टेट। बहुत लोग के पर्सनल क्वेश्चन मैसेज आ रहे हैं, सर IARI में एग्रीकल्चर की कट ऑफ क्या जाती है? तो मेरे दोस्त, मैंने आपको लगातार पिछले वीडियो में हमेशा से बताया है IARI नॉट फॉर UG स्टूडेंट। जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है वो BSc कोर्स के लिए नहीं है, वो केवल MSc के लिए है, यानी कि वो UG के लिए नहीं है, वो केवल PG कोर्स के लिए अवेलेबल है। सेम थिंग आपको एग्रीकल्चर के लिए NDRI की बात कर रहे थे आप लोग, तो मैं बता दूँ NDRI में एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ पे केवल डेयरी टेक्नोलॉजी है UG कोर्स में। मैं स्पेशली UG कोर्स की बात करूँ तो NDRI IARI में एग्रीकल्चर का कोई कोर्स नहीं है, IARI में UG का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन NDRI में BTech डेयरी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं IARI में एडमिशन के लिए, तो केवल PG के लिए है, MSc के लिए है। सो सेम थिंग आप लोग यहाँ पे PG के और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपको सीड साइंस, प्लांट जेनेटिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA, इसकी भी कट ऑफ लोगों को जाननी थी, तो आओ मैं आपको बता देता हूँ 19 की कट ऑफ ABM की क्या रही है आपकी कैटेगरी में, ठीक है। तो ABM ज़्यादातर कहीं पे है नहीं, लेकिन जहाँ पे है उसकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी असम में है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है ABM, और RPAU पूसा समस्तीपुर में है, और ABM YS परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में, साथ में IGKV में है, एग्रीकल्चर साइंस AMU में है, BHU में भी है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी में आप लोग को यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रही होगी। ये फर्स्ट रैंक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में किस डोमिसाइल स्टेट के बच्चों को कितनी क्लोजिंग रैंक रही है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सेम थिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक जैसे कि पूसा समस्तीपुर में अगर चौथे राउंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे थे ABM में जो अप्लाई किए थे उनकी क्लोजिंग रैंक 223 थी, यानी कि 223 रैंक तक के जितने बच्चे हैं वो सभी पूसा समस्तीपुर में, उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे हैं वो सभी पूसा समस्तीपुर में एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए ABM की कोर्स के लिए। तो सेम थिंग दोस्तों आप यहाँ पे अपनी किसी भी कोर्स की चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, सोयल साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेमेटोलॉजी, सेरीकल्चर, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स। बहुत लोगों ने एग्रोनॉमी को भी कमेंट किया था, तो आओ मैं एग्रोनॉमी को भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। दोस्तों आपको मैं लास्ट में बताऊंगा आपकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो दोस्तों आपको 19th ईयर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, UR यानी कि जनरल, आपकी जो भी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आपके सामने फिर लास्ट ईयर की एग्रोनॉमी की कट ऑफ आ जाएगी। तो दोस्तों हम बात करें, लाइक हम CSC कानपुर की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी ओडिशा के लिए वो 139 क्लोजिंग रैंक रहा था वहाँ पे सभी कैटेगरी में। पंजाब के बच्चों के लिए 148 था, UP के लिए 131 था। हमेशा हर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी हमेशा अपने होम स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस देती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। सो दोस्तों आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सेम थिंग मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, आप लोग जाइएगा ज़रूर वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक आपको डेयरी इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हॉर्टिकल्चर, बायो इन्फॉर्मेशन, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, सीड साइंस, फिशरीज, मेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, लाइक मैं आपको फ्रूट साइंस पोमोलॉजी का दिखा देता हूँ फिर से अगेन, बिकॉज आप लोग को समझ नहीं आएगा। मैंने लगातार आपको जो भी वीडियो में बताता हूँ आप लोग सेम थिंग कमेंट्स बॉक्स में पूछते हो तो ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट किया है, हम्बली रिक्वेस्ट किया है, वीडियो को पूरा देखिएगा फिर समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज या फिर जो भी
आपके क्वेरीज हो वहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकते हो, तो आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ, सबके कमेंट्स, सब मुझे पता है क्योंकि उस प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है सबके प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आई थिंक आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो पहले वीडियो को देखिएगा, अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमसे ड्रॉप या फिर पूछ सकते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, ईयर सेलेक्ट करना, ऑप्टेंट रैंक, सिक्योरिटी कोड यहाँ फिलअप कीजिएगा, ऑप्टेंट रैंक कौन सी कैटेगरी आपकी, ईयर कौन से, किस ईयर की देखनी है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आओ हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की, ठीक है, सॉरी काउंसलिंग की। तो सबसे पहले बता दूँ, रिजल्ट तो अभी आई नहीं है, लेकिन रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगी, 4 से 5 दिनों का टाइम और लगेगा रिजल्ट को आने में, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो रिजल्ट जब भी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू मिल जाएगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में जो भी लगेंगे यूजी और पीजी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए ये आई बटन में आपको दिख रहे होंगे, इस चीज़ को, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स जो ICER की काउंसलिंग में लगते हैं, लास्ट ईयर जो लगे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, और कैसे काउंसलिंग करनी है, किस साइड से काउंसलिंग होगी, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी उनको लाइक कीजिएगा। जो काउंसलिंग की साइट है वो है ICERexam.net, ये ICER की ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल काउंसलिंग की साइट है। इसी साइट से आपकी काउंसलिंग, रिजल्ट आने के बाद पूरा प्रोसेस आपका इसी साइट से चलने वाला है, ICERexam.net, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी तो उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज यार देखो शेयर करने कोई पैसा लगती नहीं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी ICER से आएगी या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, जो भी रिजल्ट से रिलेटेड, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको केवल इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक बार फिर से, और तब तक के लिए जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।